हाय फ्रेंड्स, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जियो फोन का स्क्रीन टाइमआउट लॉक के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, स्क्रीन टाइमआउट सेटिंग करने के बाद क्या होगा कि फ्रेंड्स आपका जो फ़ोन है वो फ्रेंड्स आप जितना टाइम सेट करेंगे, मान लीजिए 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट सेट करेंगे ना, तो उतने ही देर बाद आपका मोबाइल का जो स्क्रीन है वो ऑफ होगा। तो फ्रेंड्स, इस सेटिंग करने के लिए आपको मेनू बटन पर, ये मेनू बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको ढूंढ लेना होगा आपका मोबाइल का जो सेटिंग है, आपको सेटिंग को ढूंढ लेना होगा। ठीक है, सेटिंग को ढूंढ लेने के बाद आपको सेटिंग पर क्लिक करके आपको एक बार साइड पर क्लिक करना होगा। जब आप साइड पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स ये जो पर्सनलाइजेशन है, आपको पर्सनलाइजेशन को सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना होगा। जब आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो आपको दिखाई देगा डिस्प्ले, तो आपको डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो डिस्प्ले पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद आपको दिखाई देगा स्क्रीन टाइम आउट। ठीक है, तो आपको स्क्रीन टाइम आउट पर क्लिक कर देना है। और फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको 4-5 ऑप्शन मिल जाएगा। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है 30 सेकेंड, तो आप अगर आपको उससे सिलेक्ट करें तो 30 सेकेंड बाद आपका फोन का जो स्क्रीन है वो ऑफ होगा। और फ्रेंड्स 1 मिनट, तो 1 मिनट बाद आपको मोबाइल की स्क्रीन ऑफ होगा। 2 मिनट, 2 मिनट बाद आपको फोन का स्क्रीन ऑफ होगा। ऐसे करके फ्रेंड्स आपको 10 मिनट तक मिल जाएगा। और उसके बाद है नेवर। अगर फ्रेंड्स ये सेट हुआ है ना, तो फ्रेंड्स आपका मोबाइल कभी ऑफ ही नहीं होगा। आपका मोबाइल का स्क्रीन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ऑफ ही नहीं होगा। ठीक है, तो आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं तो 2 मिनट को ही सिलेक्ट करके रखा, तो उससे मुझे हेल्प मिलता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।